हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन। आज एक बार फिर से मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूं जो पिछले दिनों नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां थी। फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक माध्यम का काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की गई है। सेकेंड पॉइंट है, अमेरिका ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, अमेरिकी मीडिया के अनुसार ट्रंप सरकार ने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने संबंधित पत्र भेज दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में WHO की फंडिंग पर रोक लगा दी थी। दोस्तों, ट्रंप ने कोरोना वायरस के मामले में आरोप लगाया था कि WHO चीन के अधीन काम कर रहा है। साथ ही अप्रैल महीने से अमेरिकी सरकार ने WHO को फंडिंग देना भी बंद कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच में शैक्षिक और संरचना के विकास के लिए 5 समझौते हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों, ये 5 समझौते भारत सरकार और अफगानिस्तान के अर्थव्यवस्था मंत्रालय और अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के बीच किए गए हैं। यह समझौते अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार हैं। पिछले 2 दशक में भारत सरकार के द्वारा अफगानिस्तान में $3 बिलियन की विकास परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा है कि हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां हर घर में LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के गरीब लोगों को साफ ईंधन मुहैया करवाने के उद्देश्य से सरकार ने हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है और इस योजना के तहत 276,243 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले श्रावणी मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है। दोस्तों, देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला इस बार का आयोजन नहीं हो सकेगा। झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे से बचने के लिए इस साल सालाना आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। हर साल सावन महीने में देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन होता था। इस दौरान देश विदेश से लाखों संख्या में श्रद्धालु कांवर लेकर देवघर पहुँचते थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आयकर विभाग ने COVID-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अवधि 31 मार्च 2021 के लिए बढ़ा दी है। दोस्तों, आयकर विभाग ने कहा है कि वर्तमान हालातों को ध्यान में रखते हुए उसने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून थी। इस बार कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई है जो किसी कारण अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ओडिशा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरुआत की है। दोस्तों, ओडिशा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरुआत की है। नई योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से ऋण मिलेगा। बलराम योजना के तहत सरकार अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण देने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने जयंत कृष्णा को अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी के आधार को मजबूत करने और इन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु तो उनमें 12,450 करोड़ रुपये की पूंजी डालने को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, ये 3 इंश्योरेंस कंपनियाँ निमंत्रता हैं, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को 75% आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया। कोरोना महामारी के चलते कर्मचारियों की कमी ने हरियाणा के युवाओं की राह आसान की है। पहले चरण में करीब 2.5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी।